गुरु सवारे खालसा जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। महापुरखां दे इस अस्थान ते दसां पातशाहियां दी जोत, छतर चवर तख्त दे मालक, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर, जो अज ये संगतां दा बहुत वड्डा इकट्ठ, जिहड़ा ईसवी कैलेंडर दा साल 2016 पूरा हो रहा है, उसका शुकराना करन वास्ते, क्योंकि मैं इस गल नूं मनदा कि जो समा बीत गया है उहदा शुक्र ही है, आने वाले समय का नहीं पता हुंदा। इस करके फिर साढ़े हाथ जुड़ जाते ने, गोडे टिक जाते ने, सिर झुक जाता है उस अकाल पुरख वाहिगुरु के अगे कि परमात्मा आने वाले समय के विच तू साढ़े सिर पर हाथ रखना है। इस करके ईसवी कैलेंडर के 2017 साल नूं खुश आमदीद कहन वास्ते आप पिछले सालों की तरह थोड़ा समा नहीं, कई दहाके बीत गए ने इस स्थान पर इस जोड़ मेले नूं लगदे आ। सो मैनू भी पिछले सालों की तरह इत्थे आके मत्था टेकण दा, आप संगत दे दर्शन करन दा इस भाग प्राप्त होया है। मेरी हमेशा अरदास हुंदी है इन्हां महापुरखां वास्ते, श्रीमान 108 महंत हरबंस सिंह जी अते संत अमृतपाल सिंह जी होरां वास्ते कि सतगुरु इन्हां तों वड्डियां सेवावां लैण। अज मैं ये गल इत्थों कहनी चाहुंना कि अज ऐसे भी महापुरख हैगे ने जिन्हां नूं शायद तुसीं कदे हरिमंदर साहब मत्था टेकदे भी नहीं वेख्या होएगा, क्योंकि वह मत्था टिकाउणा जाणदे ने, टेकणा नहीं जाणदे। पर इन्हां महापुरखां दी ये वडियाई है, जदों भी तुसी इन्हां दे प्रवचन सुनोगे हमेशा कहणगे कि ये बख्शिशां गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दियां ने, गुरु तेग बहादुर पिता महाराज दियां ने। शायद आप जी मनदे होवो कि जिन्ना इन्हां दे प्रति साडी श्रद्धा, साडा सत्कार, साडा प्यार है, ते इन्हां दे बोले हुए बचनां नाल साडी फिर उसे वेले जिहड़ी सुरत है वह दीन दुनिया के पातशाह जिहड़े साडे सतगुरु होए ने जाके उन्हां दे चरणां नाल जुड़दी है। और मैनू गल जिहड़ी बिल्कुल सादी समझ आई है कि जोड़न वाला साडे लई पूजण योग है, जिहड़ा सानू गुरुआं नाल जोड़े, जिहड़ा सानू सतगुरां नाल जोड़े, जिहड़ा सानू सतगुरु दे अस्थानां नाल जोड़े। असीं ते उन्हां तों सदके जांदे हाँ, ते इन्हां दा रोज़ उत्थे आउणा ये भी आप सारिया संगतां वास्ते एक बहुत वड्डी प्रेरणा है कि जो कुछ भी इत्थे आके ये वंडदे ने, ये झोलियां उत्थों भर के लियाउंदे ने, ते गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दियां ये बख्शिशां ने कि इत्थे हर रोज़ संगत का इकट्ठ वधदा है। आप जी वेखदे हो पंडाल अगे नालों डबल हो गया, ते जिन्नी संगत अंदर है उस तों ज़्यादा बार अजे भी संगत रुकी हुई है। सो मेरी हमेशा अरदास है कि लागते दीवान रहें, झूलते निशान रहें, गावते सुजान रहें, पंथ महाराज के इत्थे हमेशा दीवान लगते रहन, गुरु के निशान झूलते रहन, और इस अस्थान ते हमेशा इस तरह रौनक रहन। वड्डे महापुरखां नूं परमात्मा सेहत जाबी दवे, जितनी हजाती उन्होंने बख्शी है वो इस तरह ही सतगुरु की बाणी का प्रचार प्रसार करदे आ। जिवें वो आप जुड़े ने, वो सानू भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के नाल जोड़न। इन्हें शब्दों के नाल मैं खिमां दा जाचक हाँ, मैं धनवादी हाँ कि हमेशा मैनू इस स्थान तो प्यार मिलता है, इतों हमेशा सत्कार भी मिलता है, और मेरी अरदास भी रहती है। और जिहड़ा फैसला महापुरखां ने कीता है कि इस अस्थान ते नरोल कीर्तन होवे और गुरु के प्रचारकां दा मान सन्मान होवे और संगतां दे वास्ते जिहड़ी अमृत वर्खा है उहदा संदेश घर घर जावे,
मैं इस गल का स्वागत करदा, क्योंकि इत्थे ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि कोई भी इत्थे आवे तो उन्हूं जी आया नहीं किया जाता। सन्मान इस घर दे विच सब दा होना भी चाहिए और हैगा भी है, सब दा सन्मान है, पर विशेष करके जिहड़ी अज लोड़ है उस गल नूं इन्हां महापुरखां ने मुख तौर पर रखे है कि जदों सतगुरु की बाणी का प्रवाह चले तो फिर नरोल अमृत वर्खा होवे ताकि संगत सरशार हो के अपने घरां नूं जावे। इन्हें शब्दों के नाल मैं खिमा दा जाचका। मेरी तुहाडे सारयां वास्ते भी अरदास है और जाके बंगला साहब भी मैं यही अरदास करनी, क्योंकि वाहिगुरु ने सेवा ही ये दिती है कि समूह नानक नाम लेवा परिवारां विच, परिवारां दे कारोबारां विच सतगुरु चढ़दी कला बख्शनी, पंथ विच एकता बख्शनी, पंथ नूं हमेशा चढ़दी कला विच रखना खालसा जी दे बोल बाले करने, संगतां दे विच बाणी बाणे दी परपक्ता बख्शनी। सो यही अरदास सतगुरु दे चरणां दे विच आप जी ने इत्थे करनी है, दास ने जाके बंगला साहब करनी है कि जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार, जित दुआरै उभरै तितै लेहो उबार। इन्हें शब्दों के नाल मैं खिमा दा जाचक हाँ। जो माण प्यार सन्मान इस स्थान तो मिलता है उहदे लई मैं महापुरखां दा, आप सारी संगत दा, सतगुरु जी दा कोटान कोटवारी शुक्रगुजार हाँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।